हेलो दोस्तों, एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है ये कैसेट एसी है, एफसीयू, ये चिल्ड वाटर सप्लाई इसमें है। तो एफसीयू जो है ये कैसेट एसी का मॉडल बनाया है, ये कैरियर का एसी है। तो इसमें इसका आज हमें कंप्लेंट मिला, ये कैरियर का देखिए एसी है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका हमें कंप्लेंट क्या मिला कि लो कूलिंग कर रहा है और दूसरी बात कि मोटर का साउंड आ रहा है ज़्यादा रूम में। तो जो भी यहाँ पे क्लाइंट बैठे हुए उनको डिस्टरबेंस आ रहा है इसमें। अभी आप जैसा कि सुन सकते हैं इसका साउंड, ये देखिए ये बहुत ही डिफरेंट साउंड है। ये साउंड समझिए तो यूजफुल नहीं है, ये साउंड इसका ऐसा नहीं था, बहुत स्मूथ साउंड रहता है इसका और लो कूलिंग का भी फेस करना पड़ रहा है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या प्रॉब्लम है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, लाइव वीडियो में इसको हम दिखाएंगे आपको कि क्या इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये खास करके नए बंदों के लिए ज़्यादा काम आने वाला है, या जो भी हैं देखें ये वीडियो में कुछ तो सीखने को मिलेगा आपको। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना, ये साउंड आ रहा है तो सीधा मालूम चल रहा है कि ये मोटर के एरिया से साउंड है, मोटर का साउंड है, ठीक है। तो मोटर का साउंड या तो उसका उसका कैपेसिटर वीक रहेगा, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात कि इसका क्या है कि कूलिंग कम है, तो कूलिंग कम होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, एक्चुएटर जो लगा रहता है हमारा पानी लाइन में वो भी काम करना बंद कर देता है, तो भी ये प्रॉब्लम फेस होता है। सबसे पहले इसका तो हम ढक्कन खोल लिए, और दूसरा अगर कूलिंग का इशू आ रहा है तो पानी का टेम्परेचर भी अगर ज़्यादा मिलेगा चिलर से तो भी यहाँ पर रूम में कूलिंग का प्रॉब्लम आएगा, रूम हीट होगा अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो। दूसरा अगर इसमें वाई स्टेनर जो लगा रहता है, स्टेनर भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो भी आपको कूलिंग का इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम सामने देख रहे हैं कि हमारा फ़ैन का स्पीड भी देखिए स्लो है, क्योंकि हमारा कुछ तो प्रॉब्लम है, या मोटर का प्रॉब्लम है या कैपेसिटर का प्रॉब्लम रहेगा। तो हम इसको चेक करके देखते हैं, ये श्योर है क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा इस तरह का प्रॉब्लम फेस किए हैं, तो हमें मालूम है इसका ये मोटर से या कैपेसिटर से प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा कूलिंग का इसका कोई ये नहीं है रीज़न, क्योंकि बाकी सब कुछ सही है, टेम्परेचर वगैरह सब सही है, एक्चुएटर सब काम कर रहा है। तो ये हमारा देख लेते हैं कैपेसिटर कि वीक है कि नहीं। तो इसलिए अगर कभी भी कूलिंग का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये कैपेसिटर और मोटर पर डिपेंड नहीं होने का, बहुत सारा कुछ रीज़न होता है कूलिंग नहीं होने का, तो आप उसको भी एक एक करके चेक करें स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमारा साउंड का प्रॉब्लम है और कूलिंग का, तो हम इसको चेक करके देखते हैं। हाँ, यूनिट को थोड़ा बंद करें। हाँ, तो अभी ये बंद हो जाएगा, उसके बाद तो सबसे पहले तो हमें ये जो ये कंट्रोल पैनल बॉक्स है पावर का, ये हमको खोलना होगा, ओपन करना होगा। इसका पहले वाला वीडियो में हम इसका वाटर लीक का आपको हम वीडियो बनाए थे कि किस तरह से ओपन क्लोज करते हैं पूरा इसका पार्ट बाई पार्ट। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये फिल्टर सेक्शन हम खोल दिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा जीआई का लगा हुआ है स्टील का, ये तो इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर ही कैपेसिटर हमको मिल जाएगा। तो ओपन करते हैं, इसका स्क्रू हम खोल लिए हैं, अब इसको लॉक को यहाँ खोल करके ये हटाते तो ये हमारा जो प्लेट है हट गया। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को ही इसको चेंज करके हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मोटर की ओर जाएंगे, अगर कैपेसिटर से हमारा ठीक हो गया तो ओके। इस तरह से आप खींचेंगे इसको नीचे तो ये आ जाएगा, लॉक फंसाया रहता है। और ये कैपेसिटर आप देख ले कितना MFD का है, तो ये देखिए हमारा 5 MFD का ये कैपेसिटर है, ओके। तो हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है, हम लगा करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए कैपेसिटर है, इसको हम निकालते हैं, और कैपेसिटर जहां से निकाले उस हिसाब से डाले। इसमें दो पॉइंट देखिए बना हुआ है, दोनों में एक एक क्या करते हैं डाला हुआ है, तो हम एक निकालते हैं, ये हो गया एक, इसमें हम डाल दिए, ओके। दूसरा हम निकालते हैं, दूसरा को भी दूसरे वाले पॉइंट पे हम डाल दिए, तो ये हमारा फाइनली हो गया। तो हम डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है हमारा। तो फाइनली इसको हम दूसरा न्यू लगा दिए, ये देखिए दूसरा वाला निकाल करके, और ये हमने न्यू लगा दिया 5 MFD का। अभी इसको हम चालू करके देखेंगे। हाँ, इसको चालू कीजिए, ये देखिए चालू हो गया, आपको कुछ भी साउंड इसको नहीं मिल रहा है। फुल स्पीड कीजिए, थोड़ा वेट, जस्ट वेट,
ये देखिए, अभी देखिए इसका बहुत ही डिफरेंट साउंड मिल रहा है आपको, अलग ही फुल स्पीड में है, पूरा अच्छा फ्लो आ रहा है एयर का, तो अभी कूलिंग का इशू नहीं आएगा, दूसरा साउंड का हमारा इशू खत्म हो गया। तो इस तरह का अगर आपको प्रॉब्लम कहीं पे आता है तो आप इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा बताने का बस यही मकसद था, आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ सीखने को मिला होगा, खास करके नए लोग के लिए, बाकी जो काम किए हुए हैं उनको तो आइडिया रहता है, लेकिन जो भी इस फील्ड में नए हैं तो उनको सीखने को मिलेगा। इस तरह से हम बड़ा प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम इस तरह का वीडियो डालते रहते हैं थ्योरी प्रैक्टिकल। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और दोस्तों तक शेयर करें। चले फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। चले फिर अपना ख्याल रखें आप।